हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपनी साड़ियों को रीयूज़ कर सकते हैं। तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो साड़ियों से रिलेटेड थी। मैंने उसमें गाउन और सूट तैयार किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, इसका लिंक मैं दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि इस फेस्टिवल अगर आप कुछ नई ड्रेस नहीं लेना चाहते हैं तो किस तरह से अपनी पुरानी साड़ियों को एक ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एक सिंपल साड़ी से भी काफ़ी अच्छा लुक दे सकता है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से मैंने एक सिंपल साड़ी को एक ड्रेस का लुक दिया है। ऐसे तो लोग सूट सिंपल प्लेन वगैरह बना लेते हैं, बट इस ड्रेस की कुछ खास बात है। ये फ्लोरल साड़ी है, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये एक साड़ी थी जो बिल्कुल सिंपल थी, जॉर्जेट की साड़ी, जॉर्जेट और सिफोन मिक्स साड़ी है ये, तो बिल्कुल सिंपल साड़ी थी। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये ड्रेस इतना खूबसूरत निकल कर आएगा। तो ये एक फ्लोरल साड़ी थी, हाफ एंड हाफ साड़ी थी, तो पल्ला का पार्ट जो था वो अलग कलर का था, डिफरेंट कलर में था, तो उसको निकाल दिया मैंने और एक जो प्लेट्स के पार्ट थे वो नीचे का पार्ट से मैंने सिर्फ एक ड्रेस तैयार की है। तो इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा तो नहीं आया क्योंकि आधा साड़ी तो मेरा निकल चुका था, तो आधी साड़ी में जो बन सका वो काफ़ी अच्छा बना है। तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह से ये ड्रेस तैयार किया है। तो फर्स्ट मैं दिखाऊंगी कि इस तरह से एक सिंपल सा नेक दिलवाया है मैंने और यहाँ पे ब्रॉच लगवाया है, तो काफ़ी खूबसूरत ये दिख रहा है। अगर आप नहीं भी लगवाना चाहते तो नहीं लगा सकते हो। और इस तरह से रफल डिज़ाइन में आप स्लिप दिलवा सकते हो, आप जिस तरह के स्लिप चाहते हो। आजकल तो बहुत तरह के डिज़ाइन के स्लिप चले हुए हैं, बट ड्रेस थी तो मैंने फुल स्लिप या अलग स्लिप नहीं बनवाई, बड़ी स्लिप, तो मैंने थोड़ी सी शॉर्ट स्लिप बनवाई। इस तरह के स्लिप ड्रेस भी काफ़ी अच्छी लगती है, तो इस तरह के स्लिप काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैंने इस तरह की स्लिप बनाई। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप साड़ी से ड्रेस बनाते हो और उसे रेडीमेड लुक देना चाहते हो तो बैक का जो नेक डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट रखो। इस तरह से मैंने सिंपल और शॉर्ट डिज़ाइन रखा है, आप देख सकते हो बिल्कुल ये रेडीमेड लुक देता है। अगर आप बैक ज़्यादा डीप रखते हो तो वो थोड़ा सा सिला हुआ सूट जैसे नॉर्मली सिलाते हैं उस टाइप से हो जाता है, तो आप अगर बैक को छोटा रखोगे तो ये काफ़ी अच्छा लुक देगा। इस तरह से रखने पर रेडीमेड लुक देता है ये, तो मैं हर सूट में जब भी सिलवाती हूँ तो इस तरह से ही नेक दिलवाती हूँ, बैक नेक बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं दिलवाती। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन दिलवाया है और आप पूरा लुक देख सकते हो किस तरह से ये गाउन बना है। गाउन कह लो, ड्रेस कह लो आप, तो इस तरह से मैंने बनवाया है। और नीचे काफ़ी फ्लेयर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी फ्लेयर नहीं है, तो फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें लाइनिंग का कपड़ा भी दिया हुआ है, ये लाइनिंग का कपड़ा थोड़ा सा जॉर्जेट मिक्स कुछ कपड़ा है, प्योर कॉटन नहीं है, ये कुछ अलग सा कपड़ा है, थोड़ा सा टाइट कपड़ा है। इसे क्या होता है कि इससे थोड़ा सा फ्लेयर आ जाता है, ये अगर ये हम लाइनिंग का कपड़ा कॉटन का बिल्कुल दिलवा देते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। और ये मैंने वॉश किया है बट ये ऐसे के ऐसे ही है, तो इससे काफ़ी अच्छा फ्लेयर आ रहा है इसमें। ये देखो जिस तरह से ये कपड़ा रह रहा है, उसके ऊपर ये कपड़ा रह रहा है, तो इस तरह से काफ़ी अच्छा फ्लेयर आ रहा है इसकी वजह से। तो इस तरह से मैंने ड्रेस तैयार की है और ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। अगर आपके पास भी कोई भी प्रिंटेड साड़ी हो तो इस तरह से आप ड्रेस तैयार कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसका ऑल ओवर लुक, और अगर आपको पसंद आए
आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और मैंने ये ड्रेस कहाँ से स्टिच करवाई है इसका एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं और इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।